क्वेश्चन एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो कंटेंट डिस्कस किया था हम लोग फिटनेस पे रीच किए थे, मैं उतना आपको रिवाइज करा देती हूँ फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, मैं थोड़ा सा पार्ट आपको रिवाइज कराती हूँ कि जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है दैट जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज की डेट में अर्थ में प्रेजेंट है उतने ही वो एज सच ही बने थे, ये आज भी वैरायटी उतनी ही रहेगी एंड आगे भी इनकी वैरायटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। जैसे बने थे कह रहे हैं कि वैरायटी उतनी ही आज भी और आगे भी उतनी ही रहेगी, दैट इज व्हाट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड इट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सम माइथोलॉजिकल बुक्स और वी कैन से सम रिलीजियस बुक्स, ठीक है। तो आगे हमने देखा कि कुछ साइंटिस्ट ने 19 सेंचुरी में इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चैलेंज किया कि ओके वी डोंट स्वे एनीथिंग अगेंस्ट यू नो वी शुड सी रिलीजन एंड माइथोलॉजी एज सेपरेट थिंग्स। तो ठीक है रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है तो मे बी कुछ सेपरेट लिखा गया होगा तो ओके एवरीथिंग एल्स वुड बी करेक्ट बट दिस थिंग इज नॉट करेक्ट कि एक्सटेंशन होती रही है कि अगर शुरू से ही सेम रहा है दुनिया तो ऐसी चीज नहीं पॉसिबल है। कैसे हुआ होगा वो ये है कि हमने आज के डेट में चेक कर लिया है थ्रू फॉसिल स्टडीज एंड ऑल कि देयर हैव बीन डिस्टिंक्शंस ऑफ लाइक वेरियस लाइफ फॉर्म्स यू नो थ्रू आउट एरा, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की एक्सटिंक्शन होती रही है और नए नए तरह की लाइफ यहाँ पे हम लोग ऑन अर्थ देख रहे हैं इन द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ग्रेजुअल एवोल्यूशन भी लाइफ फॉर्म्स का देखा गया है क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम देखें तो देयर आर सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड सिर्फ आज के ऑर्गेनिजम्स में आपस में सिमिलैरिटी नहीं है बल्कि आज के ऑर्गेनिजम्स की ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन आज एग्जिस्ट नहीं करते उनके साथ भी हमारे आज के ऑर्गेनिजम्स की कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो ये कह देना कि ऐसे ही वैरायटी बनी थी दैट कैन नॉट बी ट्रू क्योंकि इनका आपस में इतना ज्यादा जो सिमिलैरिटीज हैं तो दैट मीन्स के एक पेरेंट से ओरिजिनेट पेरेंट पॉपुलेशन से या पेरेंट स्पीशीज से बने हुए हो सकते हैं तो दे माइट बी रिलेटेड। तो ये चीजें जो एक दूसरे से दिखते नजर आते हैं तो हमें ये चीज इस तरीके का भी हिंट देती है कि हो सकता है लाइफ फॉर्म पहले सिर्फ एक ही तरह की बनी हो और उसी एक ही तरह की लाइफ फॉर्म से ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो गई हों, ठीक है। तो आज भी अगर हम देखें तो एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी एक पॉपुलेशन में भी बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन में लगा लो कुछ लोग हैं जो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते उनके जीन्स उनको अलाउ नहीं करते और कुछ लोग हैं वो रेंज ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कभी कोई कंडीशन में एनवायरमेंट में कोई अचानक से चेंज आ गया तो उसमें अगर उनके जीन में अलाउ करते हैं कि वो बेटर दे कैन बेटर अडेप्ट टू द न्यू कंडीशन तो फिर वो सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव बेटर इन द न्यू नेचुरल कंडीशन, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा जिन लोगों के जीन्स अलाउ नहीं करते तो वो या तो उनकी डेथ हो जाएगी, अगर डेथ नहीं हो रही है तो वो इतने वीक हो जाएंगे दैट दे वोंट बी एबल टू लीव मोर प्रोजेनी या लेस प्रोजेनी दे विल बी रिप्रोडक्टिवली उतने हेल्दी नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरा जो जिनके जीन्स अच्छे से अडेप्ट कर गए हैं वो अडेप्ट इजीली कर जाएंगे टुवर्ड्स द नेचर एंड दे विल दस लीव दस विल बी मोर हेल्दी एंड दस विल लीव मोर प्रोजेनी एज कम्पेयर टू अदर्स। सो इफ दे विल लीव मोर प्रोजेनी तो इनकी पॉपुलेशन जिनके जिनके पास वो जीन्स हैं जो उनको एनवायरमेंट में अडेप्ट करने में मदद कर रहे हैं तो इनकी पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी और दूसरे वाले की नहीं करेगी, ठीक है। तो ये एक अलग they will outbreed others we can say they will you know reproduce more than others and thus they will leave more progeny thus ये हो सकता है कि ये वाले genes वाले dominate हो जाएं और ये पहले कम होते होते धीरे धीरे खत्म ही हो जाएं, ठीक है। तो ये जो natural conditions में survive करने की जो capability है इसको जो term दी गई that is fitness, ठीक है। fitness of the individual भी हो सकता है या fitness of the population भी हम इसको कह सकते हैं अगर वो पूरी एक पॉपुलेशन में ही जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रद्द करती हूँ सबड़ी में।
हमने जो फिटनेस की बात की लास्ट में कि ये सारी चीज के लिए कि दे कैन सर्वाइव बेटर एंड दे रिलीज मोर प्रोजेनी, तो इस चीज के लिए डार्विन ने क्या कहा था कि फिटनेस, अगर हम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो फिटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो दैट इज व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डार्विन. इसीलिए जो ज्यादा फिट है बाकी उसे वो ज्यादा प्रोजेनी लीव करेंगे. हैंस दोज हु आर बेटर फिट देयर एंड एनवायरमेंट ज्यादा सर्वाइव करेंगे. तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि दे आर सिलेक्टेड बाय नेचर, कि नेचर ने खुद को चेंज किया तो ये सिलेक्ट हो गए, ये रहेंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे. तो हम कह सकते हैं कि नेचर है सिलेक्टेड देम टू लिव एंड एलिमिनेटेड अदर्स टू नॉट लिव. ठीक है, सो दीज एंड दे दीज विल देयरफॉर सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर. ये चीज जो मैं कह रही हूँ हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर, तो यहाँ पे दो चीज दो टर्म इस्तेमाल हो गई. एक तो सिलेक्टेड बाय नेचर की वजह से यहाँ पे हम टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, ये फिनोमिनन है नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन. ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं ये राइट नोट ऑन नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन. तो नेचुरल सिलेक्शन या रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो ये जो टर्म्स हैं इंटर रिलेटेड कैसे हैं ये टॉपिक आपको बताता है. और ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. ये सारी जो डिस्कशन है देखने में ये डिस्कशन ऐसे लग रही है लेकिन इट इज इंडीड इम्पोर्टेंट क्योंकि कंसेप्ट है सारा का सारा. इसमें कुछ वैल्यूज और रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है. तो ये सारा कंसेप्ट है कि क्या होता है वेरिएशन किसी भी पॉपुलेशन में इनबिल्ट होती है जैसे कि हम लोगों में. ठीक है, जैसे वो इंग्लैंड का केस मैंने आपको बताया उनके जीन्स में जो इंक्रीज टेम्परेचर उनके एनवायरमेंट में एक नया चेंज आ गया तो उनके जीन्स वर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द न्यू चेंज बट बाकी लोगों के जीन्स वर अडेप्टेड वर हैड दैट फिनोमिनन की जीन्स
ऐसे उनमें थे बाकी लोगों में कि वो इंक्रीज टेम्परेचर के साथ अडेप्ट कर सकती हैं उनकी बॉडीज। तो जैसे ही इंक्रीज टेम्परेचर आया तो ये जो कुछ लोग थे ये अडेप्ट नहीं कर पाए एंड दे डाइड और सम ऑफ देम माइट हैव बिकम वीक। सो ईदर दे डाइड और दे बिकेम वीक, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो इनकी जो रेस है वो खत्म हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है, रेस खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ जिनके जीन्स में ये था कैपेबिलिटी कि वो अडेप्ट कर सकते हैं तो वो सर्वाइव भी कर गए उस मौसम, वो मौसम निकल गया अच्छे से, सक्सीड कर गए, दे आर हेल्दी एंड इफ दे आर हेल्दी सो दे विल ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे विल रिप्रोड्यूस सो दे विल लीव मोर प्रोजेनी, दे विल लीव मोर प्रोजेनी, इफ दे विल लीव मोर प्रोजेनी सो दे आर गोइंग टू लिव बेटर, तो उनकी रेस चलेगी। जिनके जीन्स यानी कि थे सही से तो उनकी जीन्स चलेगी, जिनके जीन्स में ये था कि वो दे कैन अडैप्ट टू द हाई टेम्परेचर सो वो उन्होंने अपने ज्यादा प्रोजेनी लीव किए एंड दे सर्वाइव्ड, जिनके जीन्स में नहीं था हाई टेम्परेचर के साथ अडैप्टेबिलिटी दे डाइड और दे केम वीक डिड नॉट लीव मोर प्रोजेनी। सो डार्विन सेड कि अल्टीमेटली द फिटनेस अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन या अकॉर्डिंग टू द दिस थिंग, अगर हम बात करें ये जेनेटिक्स में ये इस चीज की बात करें तो फिटनेस अल्टीमेटली मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, बिकॉज हियर दे वर फिट सो दे वर एबल और दे वर बेटर फिट टू द एनवायरमेंट, फिट टू द चेंज्ड एनवायरमेंट सो दे कुड लीव मोर प्रोजेनी और उनकी रेस चली और इनकी खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली फिटनेस मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। सो बिकॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस थ्रू तो बिकॉज जो ज्यादा बेटर फिट करते हैं वो दे विल लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स सो दे विल सर्वाइव मोर, दे मतलब उनका वेस्ट, ये नहीं है कि उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा लेकिन हाँ लाइफ स्पैन में ये है कि वो एडिक्वेट लाइफ स्पैन जी पाएंगे, अर्ली डेथ नहीं होगी लेकिन एक्चुअली में दे विल सर्वाइव मोर मतलब उनका रेस या उनका जो वंश कह सकते हैं दे विल सर्वाइव मोर एंड हेंस सिलेक्टेड बाय नेचर, तो इसीलिए नेचर एक तरीके से सिलेक्ट कर लिया कि ये रहेंगे इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू द चेंज एनवायरमेंट एंड नहीं, तो ये इसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी कह देते हैं कि नेचर हैज सिलेक्टेड पर्टिकुलर वेरिएशन। तो ऐसे ही होता है जब एवोल्यूशन होता है, जैसे जब ह्यूमंस बने तो उसमें भी क्या है अलग अलग चेंजेस आए होंगे तो जो चेंजेस बेटर अडेप्ट होते रहे तो वी गॉट बीइंग सिलेक्टेड बाय द नेचर एंड आर रेस इज स्टिल सर्वाइविंग, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन और इस चीज को समझाया हमें कि नेचुरल सिलेक्शन इज द मेथड ऑफ एवोल्यूशन। तो हम लोगों को थ्योरीज आती हैं डिफरेंट एवोल्यूशन की, उसमें से द मोस्ट एक्सेप्टेड इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये डार्विन ने दी थी और क्या एक्सप्लेनेशन दी थी वी हैव कवर्ड इन दिस पिछले लेक्चर में एंड इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो ये हम कवर कर रहे हैं अभी, तो ये सारा नेचुरल सिलेक्शन
नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी पांच नंबर में भी आ सकता है आपको, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने भी सेम कंक्लूजन निकाली थी, ठीक है। ये एक जैसे डार्विन के अराउंड द वर्ल्ड घूमे थे डार्विन, तो एल्फ्रेड वैलेस सिर्फ एक ही आइलैंड पे रहे वहां पे, और वहां मैले आर्किपेलागोस आइलैंड का नाम था, और वहां पे उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन की और वो भी सेम ही कंक्लूजन पे निकले थे। इट वॉज जस्ट दैट डार्विन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड यू नो मेड इट अ बिट फैसिनेटिंग। उनकी शिप भी फेमस हो गई, एचएमएस बीगल पे उन्होंने ट्रैवल किया, इतने आइलैंड्स पे इतनी जगह अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल किया। फिर एक आइलैंड गैलापागोस आइलैंड्स भी देखेंगे हम आगे, जहाँ पे वो पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया था डार्विन ने जिस नाम ही दे दिया है बर्ड्स को, तो ही जस्ट मेड द थिंग फैसिनेटिंग सो मच दैट एवरीवन एल्स गॉट हिडन दैट मच दैट टाइम। तो एल्फ्रेड वैलेस भी एक नेचुरलिस्ट है, एक्चुअली नेचुरलिस्ट थे, तो इन्होंने भी सेम की कंक्लूजन ड्रॉ की थी एंड व्हाइल लिविंग ऑन एन आइलैंड मैले आर्किपेलागो। तो उस आइलैंड का नाम भी इम्पोर्टेंट है, कौन से आइलैंड पे इन्होंने किया था, मैले आर्किपेलागो। डार्विन ने भी एक आइलैंड पे ज्यादा डिस्कवरीज की थी, तो दैट इज गैलापागोस आइलैंड, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन पे जो ड्रॉ किया उन्होंने या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पे अगर आपको जो होता था, दैट इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड this topic in previous lecture in this one, ठीक है। एल्फ्रेड वैलेस ने भी सिमिलर कंक्लूजन ड्रॉ की थी, बट एल्फ्रेड वैलेस देखो क्या कुछ याद रखना, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट एंड ही वर्कड ऑन द आइलैंड मैले आर्किपेलागो। तो इन्होंने भी काम किया ऑलमोस्ट उसी टाइम पे एंड
टाइम पे वैसे तो मेंडल जब का जो काम चल रहा था वो भी नियरली इसी टाइम पे चल रहा था, एल्फ्रेड बैलेंस का काम भी नियरली इसी टाइम पे चल रहा था, एंड डार्विन ने भी इसी टाइम पे काम किया था. तो लेकिन डार्विन वॉट यू नो फैसिनेटेड हिज वर्क सो मच दैट एवरीवन वाज एट दैट टाइम एवरीवन वाज लाइक इन लव विद हिज वर्क दैट नोबडी एल्स गॉट नोटिस्ड दैट मच बट एल्फ्रेड बैलेंस ऑब्वियसली ही गॉट नोटेड. So he got noted obviously, but not unlike Mendel. Mendel का तो बहुत साल बाद हुआ, इनका बेचारा इनका वो हाल नहीं हुआ. ठीक है, तो लेकिन Darwin was actually highlighted at that time. ठीक है, तो आप लोग इसको जरा नोट कर लो. Then we shall move on to the next topic. Reproductive fitness के नाम से, natural selection के नाम से. ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसको नोट करना है, कोई भी कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए. जस्ट रिवाइज इट वेरी वेरी नाइसली एंड आई जस्ट गेट असाइड यू नोट इट डाउन एंड गिव यू 5 मिनट्स. Thank you.
होता क्या है, कई बार हम टाइम लगा के हमें नए नए ऑर्गेनिजम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इवन इन हिस्ट्री जब हमारे सीनियर साइंटिस्ट ने कुछ चीजें डिस्कवर की होंगी, उन्होंने भी वो भी नोट डाउन करते रहे, तो नोटिस ऐसे किया गया है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिल्कुल नए नए स्पीशीज दिखने शुरू हो जाते हैं। सो दे मे बी द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन अगेन। तो हम जो पहले वो कह रहे थे पिछली थ्योरी जो थी स्पेसिफिकेशन की, कि वैसे ही रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उस चीज को ये चीज भी एक तरीके से खत्म करती है। ये दोनों सेम टाइम पे थे लेकिन अलग अलग हो गए, लेकिन इनका ये एंसेस्टर
टाइम पे, तो धीरे धीरे जब ये चेंजेस इनमें आते गए तो यहां हम देखेंगे कि ये जो सिबलिंग स्पीशीज अलग है तो इनका एंसेस्टर इस पीरियड में प्रेजेंट था, इनका इस पीरियड में प्रेजेंट था. सो इन डिफरेंट पीरियड्स हिस्ट्री ऑफ अर्थ में इनका जो यानी कि एवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ वो थोड़ा अलग फॉर्म में हुआ, यानी कि डिफरेंट पीरियड्स में भी हो सकते हैं या हो सकते हैं सेम पीरियड्स में भी प्रेजेंट हो, लेकिन हो सकता है कि ये अलग अलग पीरियड्स में भी इनके एंसेस्टर्स प्रेजेंट हो. बिकॉज ये एवोल्यूशन अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि ये शुरू हुआ है वो सेलुलर फॉर्म से, तो वो एक फॉर्म से चेंजेस अलग 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 डायरेक्शन में आते गए और बहुत ज्यादा ये वेरिएशन कर गए और नए ऑर्गेनिज्म इन्होंने तैयार कर दिए. सो हो सकता है सेम, हो सकता है डिफरेंट पीरियड्स में, मोस्टली डिफरेंट पीरियड्स में ही है. अगर इमीडिएट एंसेस्टर्स की बात करें तो डिफरेंट पीरियड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पीरियड्स में अपीयर हुए हो सकते हैं. और इन पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, इन टाइम्स को, इनको हम डिवाइड करते हैं एज इपॉक्स. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. अब जैसे जैसे अर्थ की जियोलॉजी चेंज होती रही है, जियोलॉजी मतलब ज्योग्राफी, ठीक है. जैसे पहले हमने बताया कि इट वॉज पॉसिबल कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स वर एक्वाटिक, ये बात की थी हमने. रीजन है जैसे जैसे हमने अर्थ के एवोल्यूशन की बात की है कि उस टाइम पे मेनली एक्वाटिक एनवायरमेंट आता था. पहले तो बिल्कुल ही रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, उसके बाद जब वाटर वेपर्स बारिश की तरह गिरने लगे, हमने कहा था डिप्रेशन गॉट फिल्ड एंड ओशंस बिकेम, तो पानी का एनवायरनमेंट तैयार हो गया, ठीक है. एंड उस वजह से क्या हुआ, पानी का जो एनवायरनमेंट तैयार हो गया तो उनमें लाइफ जो शुरू हुई वो पानी में शुरू हो गई. सो एंसेस्टर्स अगर हम बात करें तो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स स्टार्टिंग वाले हम कह सकते हैं सारे एक्वाटिक थे. उसके बाद धीरे धीरे जैसे चेंजेस आते गए, ये धरती पे प्रॉपर हमें एनवायरमेंट मिलने लगा तो धरती के ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो गए. तो जैसे जैसे अर्थ की ज्योग्राफी थी, अगर वो कंप्लीट पहले एक्वाटिक चल रहा था तो जो लाइफ थी वो भी एक्वाटिक थी. अगर उसके बाद लैंड डोमिनेट होने लगा तो जो वैरायटी है वो टेरेस्ट्रियल होने लगी, ठीक है. तो ये सारी जो वैरायटी है, ये चेंजेस जो है, ये सारे किस चीज पे वेरी कर रहे हैं, ये सारे वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ अर्थ. कि जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज होगी अर्थ की, वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ closely correlates with the biological history of Earth.
conclusion is that Earth is not thousands of years old, but millions or billions. क्योंकि जैसे starting में special creation कहते हैं कि Earth is only 4,000 years old. That thing is not digestible and that thing is not possible. तो ये जितना हमने इतनी लंबी history पढ़ी है, इसमें से ये हम कह सकते हैं that Earth is very old.
पॉइंट को आपने नोट कर लिया है। इसमें बेसिकली हमने जो आज डिस्कशन की है डार्विन के ऊपर के डार्विनिज्म के नाम से भी ये फिनोमिनन आ जाता है आपको डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन की प्रोडक्टिव फिटनेस। तो कितने ही इसके एडिक्ट बनते हैं तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नए नए ऑर्गेनिज्म दिखने शुरू हो जाते हैं एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स की सिमिलैरिटीज आपस में और पास्ट ऑर्गेनिजम्स के साथ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके दे केम फ्रॉम मे बी कॉमन एंसेस्टर्स या इनके कुछ एंसेस्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे दोनों पीरियड्स के एंसेस्टर्स दोनों ही सिबलिंग स्पीशीज के एंसेस्टर्स। देन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से रिलेटेड है जैसे जैसे ज्योग्राफी अर्थ की चेंज हुई वैसे वैसे ही बायोलॉजी चेंज हुई वैसे वैसे लाइफ फॉर्म्स चेंज हुई। सो एक अच्छी जो after all these observations we are finally permitted to conclude that earth is not thousands of years old but it is billions of years old. obviously itna bada journey ek unicellular organism se lekar ke itna zyada journey jo hai wo thousands of years mein nahi ho sakta billions of years old hai earth not thousands of years. that's all with this lecture hum log next lecture mein ye chapter continue karenge।